तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने पर्सनालिटी इंप्रूव करना चाहते हो, लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो और अपनी एक इफेक्टिव और अच्छी पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं, तो मैं ऐसे आपके 5 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जिससे आपकी पर्सनालिटी बाकी लोगों से अलग दिखेगी। आई नो आपको एक बॉडी लैंग्वेज, आपके अच्छे ड्रेसिंग स्टाइल, आपका वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये तो मैटर करता ही करता है, लेकिन मैं आप आज के इस वीडियो के अंदर ऐसे 5 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जिससे अगर आपने इनर पीस, अपनी पर्सनालिटी को इनहांस करते हो, तो बाकी लोगों से आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी इफेक्टिव दिखेगी। सबसे एक नंबर का जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ वो पैशन। पैशन देखो, जितनी भी अच्छी पर्सनालिटी है उनके अंदर एक पैशन है किसी सब्जेक्ट के लेकर, किसी फील्ड के अंदर, तो वो आता है बाय द टाइम किसी एक फील्ड के अंदर आप एक्सपीरियंस करते हो तो आप एक्सपर्ट बन जाते हो, लोग आपसे इंस्पायर होते हो। तो ये पॉइंट बहुत ही मैटर करता है आपकी पर्सनालिटी के अंदर, वो है पैशन। दूसरा पॉइंट मैं आपको शेयर करने वाला हूँ वो है क्रिएटिविटी। देखो, आपके अंदर एक अच्छी क्रिएटिविटी होनी बहुत जरूरी है। किसी भी प्रॉब्लम को किस तरह क्रिएटिव वे से सॉल्व करते हो, हर एक प्रॉब्लम किस तरह से नजरे से देखते हो, एक छोटे बच्चे किसी क्रिएटिव माइंड से सोचता है, इसी तरह से आपको भी सोचना है अपने डेली लाइफ के अंदर कि कैसे मैं क्रिएटिव बन सकता हूँ, बाकी लोगों से क्या इम्पैक्ट कर सकता हूँ। तो तीसरा जो पॉइंट मैं आपको शेयर करने वाला हूँ वो है फ्लेक्सिबिलिटी। किसी भी इन्वायरमेंट को फ्लेक्सिबल रहिए, किसी भी चेंज को अडॉप्ट करने के लिए आप जल्दी से चेंज हो सकते हैं। एक होता है ग्रोथ माइंडसेट, दूसरा होता है फिक्स माइंडसेट। तो आप किस तरह के माइंडसेट से और किस तरह से पर्सनालिटी जाते हैं, एक ग्रोथ माइंडसेट जाते हैं या फिक्स माइंडसेट? जो हमेशा जो ग्रोथ माइंडसेट जाते हैं वो बहुत आगे जाते हैं, निकल जाते हैं इस लाइफ के अंदर, हमेशा रीडिंग हैबिट के अंदर अडॉप्ट कर सकते हो। और फ्लेक्सिबिलिटी का और एक एम्पैथी, ये एम्पैथी भी आपको बहुत पर्सनालिटी को इनहांस करते। कैसे मैं बताता हूँ, लोगों की प्रॉब्लम सुनना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में हम सुनना बहुत कम लगने लगे हैं, हम बोलते ज़्यादा है। तो आप लोगों की सुनो, उनकी प्रॉब्लम सुनो, उनके शूज़ के अंदर शूज डालो जैसे बोलते हैं ना, तो आप उनको समझो, लोगों को समझो उनकी क्या प्रॉब्लम है, वो किस तरह से लाइफ जीते हैं। तो ये पॉइंट होने से ना आपकी पर्सनालिटी बाकी लोगों से बहुत इम्पैक्ट आएगी। और पाँचवा जो मैं पॉइंट आपको शेयर करने वाला हूँ वो है परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। तो परसिस्टेंट होना क्यों ज़रूरी है आज की डेट के लाइफ के अंदर, क्योंकि कंसिस्टेंट ही ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत आगे लेके जाएगी किसी भी मैटर के अंदर। तो ये आपकी जो भी आप डीली कर रहे हो उसको आप कंसिस्टेंट रखें, किसी भी हैबिट को आप इनहांस कर रहे हो वो हैबिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ मैं आपसे एक मास्टर दो मास्टर टिप्स शेयर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट मास्टर टिप्स जो है वो बिकम अ रिसोर्सफुलनेस। जैसे रिसोर्सफुलनेस होना मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के रहने से हमारे माँ होती है घर में, वो हर एक चीज़ के लिए ना रिसोर्सफुल होती है, चाहे वो घर में काम करती है, ऑफिस में करती है, हर एक के लिए एक अच्छी कुछ ना कुछ देती रहती है। तो ये आपके अंदर पर्सनालिटी के अंदर होना चाहिए। और मास्टर टिप जो और एक दो नंबर का जो मैं शेयर करना वाला वो है कि अपना खुद का एक पर्सनालिटी ट्रेड बनाइए, क्योंकि हर एक की है ना पर्सनालिटी, दूसरों को कॉपी मत करो। आप क्या है, आपकी पर्सनालिटी एक अलग है और उसको आप इनहांस करो, अपने पॉइंट्स को मतलब स्किल को इनहांस करो। तो यही मैं बताने वाला था। अगर ये पॉइंट आपको अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आने वाले ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।